Hey guys, this is Babu Pistol and this is your boy Billa. आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं इमरान खान की एक वीडियो को, इमरान खान के रिलेटेड मतलब. हाँ, आज उनका बर्थडे भी है ना. जी बिल्कुल, उनका आज 70वीं सालगिरह है उनकी. जी बिल्कुल, 70 साल के हो गए हैं हमारे कप्तान इमरान खान, और उनको एक ट्रिब्यूट अपलोड हुआ है अभी आज ही. 70 years of struggle. जी बिल्कुल, और ये अपलोड किया है भाई, क्या नाम है इनका, जी सुलेमान एंड दाऊद. ये सुलेमान एंड दाऊद नाम के एक चैनल के ऊपर अपलोड हुआ है, और इन्होंने पहले भी काफ़ी सारे ट्रिब्यूट किए हुए हैं इमरान खान. एग्जैक्टली, आई थिंक हमने पहले भी एक इमरान खान की वीडियो को किया था जी. और डिस्क्रिप्शन में इनका आपको लिंक मिल जाएगा, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें इन्होंने किस तरह का कॉन्टेंट बनाया हुआ है. अगर आप इमरान खान के सपोर्टर हैं तो आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी. और आज इमरान खान की 70वीं सालगिरह है, हमारी तरफ से उनको मुबारकबाद हो, और हम खराज तहसीन पेश करते हैं उनको. जी बिल्कुल, और जो वीडियो को आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं इसमें उन्होंने 1952 से लेकर 2022 तक की जर्नी उनकी सारी 70 ईयर ऑफ स्ट्रगल बिल्कुल टोटल जर्नी जो है ना उन्होंने एक्सप्लेन की है. 5 मिनट की वीडियो में उन्होंने सारा बताया. अभी चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर. उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी नेक्स्ट वीडियो पहुंचती रहे. जी अभी चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर. तो लेट्स सी, माइक चेक 1 2 3 स्टार्ट. 1971 क्लिक कर. 78 वर्ल्ड कप विनिंग, जब पाकिस्तान ने अब तक एक ही वर्ल्ड कप जीता हुआ है और वो हमारे वजीर आजम के एज अ कप्तान जीता हुआ है. जी बिल्कुल, वो उस टाइम कैप्टन थे पाकिस्तानी टीम के, और ये काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 1992 में हमने वर्ल्ड कप जीता था. उसके बाद अभी तक चैंपियन ट्रॉफी तो जीते हैं लेकिन वर्ल्ड कप हम जीत नहीं सके. तो फिर ये इमरान खान का हमारे लिए एक तोहफा था जो काफ़ी देर हो गई हमें मिला हुआ. जी प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान. अच्छा, उसके बाद सियासत कांग्रेस में आए, यहाँ से उनकी जो है सियासत की जर्नी स्टार्ट हो रही है. और ये जुमाइमा खान, जुमाइमा खान की पहली वाइफ. जलसे वगैरह स्टार्ट किए उन्होंने. ब्रो ये वो टाइम है जिस टाइम पे हम इमरान खान को पूरी तरह नहीं थे जानते. मैं तो जानते ही नहीं था. 2007 की वीडियो चल रही है. बिल्कुल, और 2000 मेरे ख्याल में 2012 से इमरान खान का एक नाम सियासत में शुरू, हल्का पाकिस्तान तहरीक आहिस्ता आहिस्ता. उससे पहले तो कुछ भी नहीं था, मतलब उनकी स्ट्रगल बहुत थी, कर बहुत रहे थे, सामने किसी के नहीं था, किसी को नजर नहीं था आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं. लेकिन असल मेहनत उस टाइम पे हुए जिसका आज उनको फल मिल रहा है. उस बंदे की एक खासियत है खान साहब की कि वो गिव अप नहीं करते हैं. गिव अप नहीं करते बिल्कुल, और वो एज अ प्राइम मिनिस्टर बन के दिखा के जी मिसाल बने हैं. मिसाल बने हैं बिल्कुल. यहाँ से असल काम शुरू हुआ लाहौर. ये टाइम था जिस टाइम पे इमरान खान वजीर आजम बने थे, और
ये एक समझ लें कि एक बंदा ऑलरेडी एक जर्नी उसकी कंप्लीट हुई, उसने वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप ही हाँ होता है ना एक बंदे के लिए क्रिकेट से स्पोर्ट्स कांग्रेस कांग्रेस में। से वजीर बिल्कुल, आजम स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप से ऊपर कोई चीज नहीं है। हाँ उसने वर्ल्ड कप जितवा दिया एज अ पाकिस्तान को, कैप्टन। देन वो सियासत में आया। सियासत में सबसे बड़ी चीज क्या है? वजीर आजम बनना। हाँ वजीर आजम वो इस टाइम पे बना था। सेहत कार्ड, और ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इमरान खान का सेहत कार्ड। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ कि इस सेहत कार्ड के प्रोजेक्ट में पाकिस्तानियों को शायद, ये जो छोटी सोसाइटी के लोग हैं, छोटे शहरों के लोग हैं, उनको नहीं पता कि इसके क्या फ़वायदे हैं। हाँ ठीक, लेकिन इसके बहुत सारे फ़वायदे हैं। एग्जैक्टली, आप फ्री इलाज करवा सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल हाँ से नहीं, अपने शहर प्राइवेट। के हाँ किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से। आप, उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, आप इंटरनेट से, उनकी वेबसाइट से, ये अभी आप भी देख चल रहा सकते है सेहत कार्ड, अभी तक चल रहा है। और ये इनकी जो अपोजिशन थी, पीडीएम वगैरह, वो बोलते थे जिस टाइम पे इनका दौर था उस टाइम पे वो बोलते थे जी ये फ्रॉड है, ये फ्लॉप होगा सेहत कार्ड, इसका हाँ कोई फायदा नहीं है। और अभी वो टाइम है वो बोल रहे हैं जी सेहत कार्ड तो हमने सोचा हुआ था, ये हमारा प्लान था, ये हमारा प्लान जो है वो इमरान खान आगे लेके आया था। चला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एंट्री चेक करो यार, क्या सब कुछ ठीक चल रहा था। हाँ पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक जा रही थी। Exactly. हर बंदा ठीक ठाक था, खुश था, मजदूरी, जो बंदा मजदूर था वो भी मजदूरी करके रात को खाता था। खाता था। लेकिन अभी जो पाकिस्तान का टाइम आ गया है, मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सिर्फ एक नाम का अच्छा मुल्क रह गया, कोई सिर्फ एक नाम का, और कुछ भी नहीं है। इधर हर बंदा एक दूसरे को खाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है। अब एक बंदा, उसको जब काम नहीं मिलेगा मजदूरी करने के लिए, कोई उसको ठेका नहीं मिलेगा, वो बंदा फिर चोरी से करेगा। और ऊपर से जब उसको बिजली का बिल आएगा 35,000 40,000, बिल्कुल, जिसके घर में सिर्फ दो पंखे हैं, दो बल्ब हैं, एक टीवी होगा वो भी पुराने वाला, ठीक है, तो उस बंदे को बिल आ रहा है जी 35,000 40,000, वो क्या कमाएगा, वो क्या कमाएगा, वो क्या खाएगा। करप्शन तो गरीब आदमी कर नहीं सकता। असल डाके तो ये डालते हैं, असल डाके जो डालने वाले हैं वो इस टाइम पाकिस्तान की कुर्सी संभाल के बैठे हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान को चला रहे हैं जी वो। लेकिन अच्छा, मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान चल रहा है, ठीक है। ये सिर्फ एक नाम का मुल्क है, वैसे पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, ठीक है। लेकिन उम्मीद है, हमें बहुत सारी उम्मीद है कि इमरान खान जल्द आएंगे और दोबारा इस चीज को, वी वांट इमरान खान बैक इंशाल्लाह। नेशन बिकेम हार्ट ब्रोकन, अफगानिस्तान, दैट वाज द क्राउड ऑफ इमरान खान। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा क्या बात, क्या बात, इमरान खान क्या बात है, इंसानों का सैलाब। कोशिश कर रहा था
यार एडिटिंग कितने मजे की हुई है उस बंदे ने। डॉक्यूमेंट्री चेक करा दी है उसने इमरान खान की। आजादी चाहते हैं। अच्छा उनको लगा था कि इमरान खान को हमने उतार दिया, ठीक है अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अब हर चीज हमारे हाथ में, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते। लेकिन ये उनका वहम है, ठीक है। इमरान खान के साथ पहले कम लोग थे, अभी जो नहीं भी थे, अब दूर दूर तो जो कहता था ना कि मैं नून लीग हूँ, पक्का नून लीगी हूँ, ठीक है, कटर नून लीगी जिसको बोलते थे, वो भी आजकल इमरान खान के नारे लगा रहा है। क्या बात है। और ये उसकी मेहनत और ये पाकिस्तान के जो लोग जिन्होंने उसका साथ दिया है, ये उनकी मेहनत की वजह से आज वो इस मुकाम पे पहुंचा है। अच्छा जी, सुलमान भाई और दाऊद भाई ने इमरान खान को है ये जो है ना 70 बर्थडे विश किया है, समझ लें बिल्कुल बहुत अच्छी जो है ना टाइटल के बीच में उन्होंने हैप्पी बर्थडे विश किया, और एडिटिंग स्पेशली कमाल है यार। जी बिल्कुल, मैं आपको कहूंगा कि जी उनके चैनल पे जाएं, उन्होंने 6-7 वीडियोस बनाई, हम नहीं जानते ये कौन है, लेकिन हमें ये कंटेंट अच्छा लगा इसलिए हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, और आप देखें, उनको सपोर्ट करें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जी हम नई से नई वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके लिए। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।